प्रिय संस्कृत मित्राणि नमो नमः। महाकवि भारवि प्रणीतम किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्यस्य अध्ययन प्रसंगे अद्य वयम् अग्रे अध्ययनं कुर्मः। पिछले दिनों हम लोगों ने तीसरे और चौथे श्लोक का वाचन और अध्ययन किया था। आज हम पांचवें श्लोक को देखेंगे। सबसे पहले इसका वाचन करेंगे। सकिं सखा साधु न शास्ति ओधिपम हितान्नयः संश्रणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः सखा साधुना सास्तियोधिपम् हितान्नयः संश्रणुते सखिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः सखा साधु न शास्ति ओधिपम् हितान्नयः संश्रणुते सखिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः यः अधिपं साधु न शास्ति स किं सखा यः हितान्न संश्रणुते स किं प्रभुः हे नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु च सर्वसम्पदः सदा रतिं कुर्वते। स किं सखा सा मीन्स वह किं सखा किं कुत्सितः सखा। यहाँ पर सखा के ऊपर क्या लग गया है, प्रश्न चिन्ह लग गया है। कहा जाए जैसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं क्या वह मित्र है जो आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकता, उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। स किम सखा किम सह सखा यह हितान न संश्रणुते यह अधिपम साधु न शास्ति। स किम सखा किम सखा कुत्सिता सखा कुत्सिता दुष्ट सखा अच्छा मित्र नहीं है। कौन यह अधिपम साधु न शास्ति यह जो अधिपम राजा को या स्वामी को साधु अच्छी बात साधु मतलब केवल वही नहीं है कि तिलक और पीताम्बर धारण करने वाला साधु नहीं। यहाँ पर साधु का मतलब क्या है अच्छा उचित। न शास्ति नहीं शास्ति अनुशासन देता है सिखाता है उपदेश देता है। क्या वह कुत्सित मित्र नहीं है जो अपने स्वामी को अच्छा उपदेश अच्छी संमति नहीं देता है। और फिर अगला क्या है यह हितान न संश्रणते स किम प्रभु किम प्रभु कुत्सितः प्रभु क्या वह अच्छा प्रभु है। प्रभु मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वामी। क्या वह अच्छा स्वामी है जो अपने हित की बात को भी नहीं सुनता अर्थात वह अच्छा स्वामी नहीं है जो अपने सेवक की हितकारी बातों को सुनता नहीं है अच्छे परामर्श को नहीं सुनता है। और जब किम सखा और किम प्रभु यानी कुत्सितः सखा कुत्सितः प्रभु मिल जाएंगे तो क्या होगा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर किम सखा और किम प्रभु मिल जाएंगे तो सर्व संपदा ततः पलायनम कुर्वन्ते सारी संपत्तियां सब कुछ जो कुशल मंगल है योगक्षेम नष्ट हो जाएगा। क्यों क्योंकि आगे वाली लाइन में लिखा है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं
नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः सर्वसम्पदः सदा रतिं कुर्वते लेकिन कब नृपेष्वमातेषु अनुकूलेषु जब राजा और आमात्य स्वामी और सेवक में क्या हो अनुकूलता हो तभी सभी संपत्तियां वहां पर रमण करती हैं। देखिए यह अधिपम एक बार फिर से इसको देखते हैं। यह जो अधिपम स्वामी को राजा को मित्र को साधु सम्यक उचित अच्छा न शास्ति नहीं ना नहीं शास्ति उपदेश करता है परामर्श देता है सलाह देता है सा वह किम सखा कैसा मित्र है या क्या वह सखा है सखा कहलाने योग्य है अर्थात नहीं है वह अच्छा मित्र नहीं है। और यह हितान न संश्रणते जो हित की बातों को नहीं सुनता है हितकारी बातों को नहीं सुनता है सा किम प्रभु क्या वह प्रभु है अर्थात वह स्वामी उचित नहीं है। और अगर यह नहीं होगा तो नृपेश अमातेषु अनुकूलेषु नृपेश राजा के अमातेषु आमात्यवर या मंत्रीवर के अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर ही एक दूसरे का हित चाहने पर ही आमात्य निर्भीक होकर के अपने स्वामी को अपने राजा को परामर्श देता हो और नृपः राजा प्रसन्नता पूर्वक चाहे हित को अच्छी लगे उसको बात चाहे अच्छी न लगे लेकिन अगर उसके परामर्श को मानता है उसकी बातों पर गौर करता है तभी सर्व संपदः सभी प्रकार की संपत्तियां सदा रतिम कुर्वते हमेशा उसके पास कुर्वती हैं अनुराग करते हैं रहती हैं। अब देखिए इसमें कुछ व्याकरण की दृष्टि से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे हैं किम सखा किम सखा इसका मतलब क्या होगा व्याकरण की दृष्टि से कुत्सितः सखा कुत्सितः सखा कुत्सित का मतलब तो समझते ही होंगे यानी अच्छा जो मित्र नहीं उसी को तो कुत्सित कहेंगे। इसी प्रकार से किम प्रभु इसमें भी जो अच्छा स्वामी नहीं है उसके लिए किम प्रभु और यहाँ पर कर्मधारय समास है कुत्सितः सखा सखा की विशेषता क्या बताई गई है विशेषण और विशेष्य दोनों जहाँ पर होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है कर्मधारय समास इसमें दोनों हैं इसलिए इस शब्द में क्या कौन सा समास होगा कर्मधारय समास होगा। शास्ति शास धातु है लट प्रत्याहार में तिप प्रत्यय जुड़ा शास्ति बन गया शास्ति मतलब उपदेश करना परामर्श देना सलाह देना हितात् हितमस्ति अस्य इति तस्मात् सर्वसंपदः संपद्यते इति संपदः उपपद पूर्वक पद धातु है इसमें क्वे प्रत्यय होकर के संपदा बनता और इसमें अलंकार जो है वो अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है आशा है आप सबको इसमें समझ में आएगा आ ही गया होगा। संश्रणुते जो सुनता नहीं है। अब अगला श्लोक देखते हैं निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्मविद्विषाम् निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्मविद्विषाम् निसर्ग दुर्बोध भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवाः जन्तवः क्व निगूढतत्त्वं विद्विषाम् नैवर्त्मयत् मया अवेदि अयं तव अनुभावः। ये भी वनेचर की ही उक्ति है। वनेचर
महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे प्रभु, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, निसर्गेण निसृज्यते इति निसर्गः, नैसर्गिक रूपेण, स्वाभाविक रूपेण, दुर्बोधम कठिनतया बोधनीय, स्वाभाविक रूप से समझने में कठिन, क्या भूपति नाम चरितः, राजाओं का, भूपति नाम राजाओं का चरितः, चरित्र क्वा, कहाँ, हे महाराज कहाँ कठिनता से जानने योग्य, कठिनता से समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र, और कहाँ मैं वनेचर अबोध विक्लवाह जंतवह क्वा, अबोध न बोधा इति अबोधा, जिसको बोध न हो, जिसको ज्ञान न हो, ऐसा अबोधेन विक्लवाह, ज्ञान के कारण विकल, विकलो मतलब पंगु, या अज्ञान के कारण अशक्त जंतवह प्राणी, कौन, वनेचर अपने लिए कह रहा है कि कहाँ राजाओं का कठिनता से ज्ञात होने वाला चरित्र, उनकी नीतियाँ, और कहाँ मैं अज्ञानी और अज्ञानता से अशक्त, मैं वनेचर, लेकिन निगूढ़तत्वम विद्विषाम नैवर्त्म, निगूढ़तत्वम अत्यंत गुप्त रहस्यों वाला, राजनीति जो होती है वह अत्यंत गुप्त होती है, और उसी नीति को समझने के लिए प्रजाभिषेक व्यवहार को समझने तो हो गया था, लेकिन अपनी बुद्धि को वह सूक्ष्म बता रहते हुए कहता है, अपनी बुद्धि को अत्यंत जड़ बताते हुए वह कहता है कि कहाँ तो राजाओं का कठिनता से ज्ञात होने वाला चरित्र, और कहाँ मैं अबोध यानी अज्ञान से विक्लवाह अशक्त जंतवह प्राणी हूँ, लेकिन फिर भी निगूढ़ तत्वम विद्विषाम नैवर्त्म यत, निगूढ़ तत्व अत्यंत गुप्त रहस्यों वाली, अत्यंत गुप्त तत्वों वाली, जो किसके जानने योग्य है, विद्विषाम शत्रुओं का, विद्विषाम शत्रुओं का, नैवर्त्म नय नीति मार्ग, नैवर्त्म नीति मार्ग, नयन नयनम नयना नयनी नीति, जो मतलब चलने का मार्ग दिखाए उसी को क्या कहते हैं, नीति, और जो शत्रुओं का नैवर्त्म, हमको क्या जानना था, मित्र का नहीं, किसका, शत्रुओं के गूढ़ तत्वों वाली नीति मार्ग को मैंने जो कुछ भी जाना है उसी को जानने तो गया था। एक तो राजाओं का चरित्र वैसे ही दुर्बोधनीय है, उसमें मेरी विकल बुद्धि, अज्ञानता, अशक्त जनित बुद्धि, और उसमें भी मुझे किस राजा का जानना था, शत्रु राजा का, विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म, अब के शत्रु राजा का, शत्रुओं का जो अत्यंत गुप्त तत्वों वाला नीति मार्ग है वह जानना था, और उसको जो मैंने जाना, यन मया अवेद, जो कुछ भी मैंने जाना, अयम यह तब आपका अनुभव प्रभाव है, आपकी ही कृपा है, जो मैं उनके नीति मार्गों को समझ सका, उनकी नीतियों को, उनके गुप्त रहस्यों को जो कुछ भी समझ सका, यह मेरा प्रभाव नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं तो वैसे ही अबोध विक्लव, अबोध विक्लव अज्ञानता से अशक्त जंतु हूँ, लेकिन यह किसका प्रभाव है, तब अनुभव, हे महाराज युधिष्ठिर ये आप ही का प्रभाव है। एक बार फिर से देखते हैं, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाह क्व भूपतीनां चरितं क्व जंतवः, निसर्ग दुर्बोधम स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से दुर्बोधनीय यानी कठिनता से जानने योग्य, क्या भूपतीनां चरितः क्व, राजाओं का चरित्र, और कहा मुझ नेचर की अबोध विक्लवाह अज्ञानता के कारण अशक्त, अज्ञानता के कारण अशक्त मेरी बुद्धि, और
तवानुभावो अयम वेद यन्मया, आपके ही अनुभाव से, आपके ही प्रभाव से जो मैंने जाना, यत मया अवेद, जो कुछ भी मैंने जाना, वह क्या जाना मैंने, विद्विषाम नैवर्त्म निगूढ़ तत्वम, शत्रुओं के गूढ़ तत्व वाले नीति मार्ग को जो कुछ भी मैंने जाना, वह सब तव अनुभव, आप ही का प्रभाव है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक संस्कृत प्रेमी जन इसका लाभ उठाएं और अपने सफलता को सफलता के पथ पर अग्रसर हों। नमो नमः।